नमस्कार मित्रों, मैं आज हूँ पिंक से भी जयपुर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर एवं अगर आप इस स्थान पर आए हैं तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं और यह हवा महल का प्रवेश द्वार है जो पीछे की ओर से हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। हम आपको अब अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पर हम लोग टिकट ले लिए हैं। अब आगे हम प्रवेश द्वार के से होते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही हम प्रवेश द्वार से राशि महल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा आंगन दिखता है। आज हम आ गए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में स्थित हवा महल, जो बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला एवं आकर्षक नक्काशियों वाला एक इमारत है। जयपुर में स्थित इस हवा महल को राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों और आकर्षक इमारतों में से एक माना जाता है। इस हवा महल में 900 से भी अधिक खिड़कियां होने के वजह से इसको पैलेस ऑफ विट्स भी कहा जाता है। यह हवा महल सामने से देखने पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखता है। यह 5 मंजिला इमारत दुनिया की ऐसी इमारतों की सूची में शामिल है जो कि बिना किसी नींव की बनी हुई है। इस हवा महल से जुड़ी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे हम देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। इस राशि महल का निर्माण सन 1799 में बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसे किसी मुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़क के समारोह व गलियों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेचूरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। चूने लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्रों के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष एवं महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। यह भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी को समर्पित है। यह हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। वर्ष 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर महल की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य किया गया। हवा महल घूमने के लिए यहाँ की जो एंट्री फीस है वह भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। यहाँ पर आप कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं जो 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगी। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और उसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपये अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपये है
हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लोकल गाइड उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनसे चार्ज पहले तय कर लें। बता दें कि हवा महल को घूमने के लिए एक या दो घंटे का समय ही दिया जाता है। जयपुर के दक्षिण हिस्से में स्थित हवा महल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महल के संग्रहालय में संरक्षित प्राचीन कलाकृतियों, समृद्ध अतीत संस्कृत विरासत और राजपूतों के शानदार जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। ट्रेन से हवा महल तक पहुंचने के लिए पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहां के लिए ट्रेन हर बड़े और प्रमुख स्टेशनों से मिल जाएंगी। जयपुर स्टेशन से हवा महल तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको 18 मिनट का समय लगेगा। अगर आप सड़क मार्ग से हवा महल पहुंचना चाह रहे हैं तो बता दें कि राजस्थान भारत के सभी प्रमुख हिस्सों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत के कई प्रमुख शहरों से जयपुर के लिए बसें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो बम्बई, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों से जयपुर के लिए फ्लाइटें उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट से हवा महल पहुँचने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा।